हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल गुड। आई एम एकता। टुडे आई एम शोइंग यू हाउ टू गेट दिस इजी लुक फॉर दिवाली विदाउट डिले। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम मेकअप रिमूवर वाइप्स लेंगे, उससे हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे टोनर। आपके पास अगर गुलाब जल है आप वो भी एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए। एंड देन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे प्राइमर। आप प्राइमर भी अपने स्किन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सिलिकॉन बेस्ड यूज़ करेंगे पोर मिनिमाइजर वाले, और नहीं तो आप क्रीम बेस्ड प्राइमर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कलर करेक्टर। इसमें हम अपने फेस को अच्छे से कंसील करेंगे, जो भी पिगमेंटेशन है उसे अच्छे से हम करेक्ट करेंगे। उसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम उसे ब्लेंड कर लेंगे। ओवर ब्लेंड हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। आपके पास जो भी फाउंडेशन हो आप उसे अप्लाई कर लीजिए। उसे इवेनली आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर से। पहले मैं यहाँ पे ब्रश से उसे अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन उसके बाद हम अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम यहाँ पे कॉन्टोर करेंगे। यहाँ पे मैं शुगर का कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ। उसे अच्छे से हम अपने, अगर आपको क्रीमी कॉन्टोर नहीं करना है तो आप पाउडर कॉन्टोर भी कर सकते हैं, सिर्फ पाउडर कॉन्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों यूज़ करूँगी। तो क्रीमी के लिए मैं पहले क्रीमी प्रोडक्ट अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और उसे फिर हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। क्रीमी ब्लश हम अप्लाई करने के बाद उसे हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, उसे इवनली ब्लेंड कर लेंगे। एंड अब उसके बाद हम हाईलाइट करेंगे अपने फेस को। हाईलाइट को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लूज पाउडर, बनाना पाउडर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मीडियम टू डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन के हैं तो आप यहाँ पे बनाना पाउडर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप वाइट लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे पाउडर ब्लश यूज़ करूँगी। अगर आपको क्रीमी प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने फेस को पाउडर से लॉक करने के बाद ही पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करना, क्योंकि नहीं तो उससे पैच नहीं पड़ेगा आपके फेस पे। एंड देन उसके बाद हम अप्लाई करेंगे हाईलाइटर। अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट करेंगे कि हमारा जो फेस है वो अच्छे से शाइन करे। एंड देन जो हमारा बेस है वो कंप्लीट हो गया है, ये हमारा बेस है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए सबसे पहले हम आईब्रोज को फिल करेंगे। ब्रोज को पहले हम कॉम कर लेंगे, इस पुली से अच्छे से कॉम कर लेंगे। कॉम करने के बाद जो भी हमारी आईब्रोज में जो गैप है उसे हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम सेंटर से उसे फिल करना स्टार्ट करेंगे कि वो हमें नेचुरल सा इफेक्ट दे। एंड देन उसके बाद हम अपने आईलिड को कंसील करेंगे और देन उसे पाउडर से हम लॉक कर लेंगे। उसके बाद हम ब्राउन कलर लेंगे और उससे अपनी क्रीज को डिफाइन करेंगे। क्रीज को अच्छे से डिफाइन करने के बाद हम ब्लू काजल लिया है यहाँ पे मैंने। उसके बाद हम उसे अप्लाई करेंगे लाइनर की तरह, हम उसे अप्लाई कर लेंगे। उसे इवनली अप्लाई करने के बाद हम ब्लू कलर लेंगे और उसे स्मच करेंगे, उसे थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे कि वो एक इवनली सा थोड़ा सा स्मोकी टाइप में हमें लगे। उसे हमें ज़्यादा फैलाना नहीं है और ना ही ज़्यादा हमें उसे इवनली, सिर्फ हार्श लाइन नहीं उसमें दिखनी चाहिए, हमें इतना ब्लेंड करना है उसे। उसे हम पेंसिल वाले उससे ब्लेंड करेंगे। एंड देन ऐसे ही हम अंडर आई भी करेंगे। अंडर आई में भी ब्लू लाइनर काजल लगा के उसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। दोनों में इवेनली अच्छे से उसे ब्लेंड करना है हमें, और ब्लैक काजल को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद हम टियर डक को हाईलाइट करेंगे। टियर डक को अच्छे से हाईलाइट, यहाँ पे मैं गोल्डन कलर से टियर डक को हाईलाइट कर रही हूँ। ब्रो बोन को फिर हम हाईलाइट करेंगे। एंड देन हम उसके बाद अपनी लिप लाइनर को अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं पिंकिश न्यूड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद हम एक लाइट वेट आई लैशेज अप्लाई करेंगे। लैशेज हमारे जो मेकअप लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करेगी। एंड देन ये हमारा फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और लुक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।